वेलकम टू रेड ऑन वेब टीवी। आज मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू और साउंड डेमो दूंगा T388 को हमने खोला हुआ है, जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे कार्टन इसके खुले हुए हैं। और जनाब ज़्यादा देर हम इंतज़ार नहीं करेंगे, ये आ गया आपका T388। ये T388 की साउंड बार है। साउंड बार में सामने जो आपको ये टैग नज़र आ रहा है, ये इसका NFC है और NFC ब्लूटूथ की एक किस्म होती है। इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं बुक के अंदर। इस वक्त ये ऑफ है, एडॉप्टर से ऑपरेटेड है, 16 वोल्ट से ये चलती है। इसके साथ एडॉप्टर भी मिलता है, पावर केबल भी आपको मिलती है। फ्रंट के अगर हम बात करेंगे तो फ्रंट पे जो इसकी ग्रिल है ये मेटल की लगी हुई है, और फ्रंट पे जो इसके दो स्पीकर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे रेस ट्रैक डिज़ाइन के स्पीकर्स हैं इसके अंदर। 20 वॉट्स इधर है, 20 वॉट्स इधर है, ठीक है जी, 20 वॉट्स हैं। और इसके ओम्स की बात करेंगे तो ओम्स इसके तीन ओम्स के दोनों स्पीकर्स हैं। और फ्रंट पे इसके दो ट्यूटर लगे हुए हैं, 1 इंच का ट्यूटर इधर लगा हुआ है, 1 इंच का ट्यूटर यहाँ पे यूज़ किया है कंपनी ने, और दोनों जो हैं वो 8 ओम्स के, यानी कि 40 वॉट्स RMS की इसकी साउंड बार है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके सब वूफर की। सब वूफर में आपको बड़ा बिग होल नज़र आ रहा होगा सामने, जहाँ से आपका सब वूफर जो है वो एयर लेता है, जो बेस क्रिएट करता है और जब सक्शन करता है वहाँ से, बहुत बड़ा होल है। और इतने बड़े होल हमने बहुत ही कम देखे हैं। वजह उसकी ये है कि 100 वॉट्स RMS का सेट है और इसमें डाउनवर्ड फायरिंग है, नीचे सबवूफर लगा हुआ है 8 इंच का, वो भी हम आपको दिखा देंगे। और ये MDF का बना हुआ है पूरा, टॉप जो है वो इसका फाइबर कोटेड है। आप इसमें मोबाइल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, कीज रख सकते हैं, निशान नहीं आएंगे आपके, ठीक है जी। बॉर्डर भी एक हल्की सी दे दी है, हील इसकी अच्छी दी है ताकि उठा रहे और सबवूफर जो है वो आपका बेस अच्छी क्रिएट करे। अच्छा, इसकी बात करेंगे ABS मटेरियल की, इसकी बॉडी है, टॉप पर इसके रबर के जो है वो सिलिकॉन कोटेड, इसमें बटन्स दिए हुए हैं सारे, जैसे आपको फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, ऑन है, ब्लूटूथ है, प्लस माइनस वॉल्यूम है, सेकंड इनपुट डिवाइस है और ये रीसेट है। अच्छा, बैक पैनल की हम बात कर लेंगे, बैक पैनल भी आपको हम दिखा देते हैं। बैक पैनल में आपको जनाब ऑप्टिकल मिल जाती है, USB मिल जाती है, सेकंड कॉक्सिल मिल गई आपको, लेफ्ट राइट आपको इनपुट मिल गई डिवाइस T388 FND कंपनी की, ठीक है जी। यहाँ पे ब्रास के जो है वो मेटल के कनेक्शन लगे हुए हैं, जहाँ से आप स्क्रू टाइट करके वाल माउंट कर सकते हैं। वाल माउंट की किट भी इसके साथ अवेलेबल है, ठीक है जी। नीचे इसके रबर के पैड लगे हुए हैं ताकि अगर आप डिवाइडर पे रखें तो स्लिपरी ना हो। ABS मटेरियल है सारा ये, और बहुत ही क्लासी डिज़ाइन है। डिज़ाइन अगर हम इसका देखेंगे तो बहुत ही क्लासी है, बिल्कुल शेप बहुत खूबसूरत दिया है इन्होंने, ठीक है जी। अब हम इसकी बात कर लेंगे कि इसके अंदर जो पावर स्विचिंग है, वो यूनिवर्सल है, 100 से 240 आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रोस वेट इसके सब वूफर का जो है वो 8.6 kg है, और जो साउंड बार है वो 3.5 kg की साउंड बार है। और इसके फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की भी हम बात ज़रूर करेंगे, लाजमी बात है। सब वूफर जो है वो 120 हर्ट्ज़ का सब वूफर है, बहुत अच्छी बेस बनाएगा, डीप बेस बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, सस्टेन क्रिएट करेगा, आपने ज़मीन पर रखना पड़ेगा इसको। सेटेलाइट स्पीकर्स जो है वो 130 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ हैं, यानी कि इसमें जो वॉल्यूम है वो पीक पर जाएगा, और सब वूफर जो है थोड़ा सा डाउन रह सकता है मेरे हिसाब से। अच्छा, सब वूफर 8 इंच का है, 3 ओम का है, बाकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। टोटल जो है वो 140 वॉट्स RMS का ये सेट है, 140 वॉट RMS की साउंड बार है, वायरलेस सब वूफर के साथ है। इसके साथ कोई भी वायर कनेक्ट नहीं होता है, इसमें ब्लू कलर की पीछे लाइट है, पेयरिंग है, ऑटोमेटिक पेयरिंग करता है साउंड बार के साथ। इस वक्त हम साउंड बार को ऑन कर लेते हैं, ठीक है जी। इस वक्त ऑक्स कनेक्टिविटी पर दिखा रहा है, अब हम इसकी इनपुट चेंज करेंगे, USB पर आ गया है ये, ब्लूटूथ पर आ गया है जनाब, सर्चिंग कर रहा है, ऑप्टिकल पर आ गया है, अब कॉक्सिल पर है, ऑक्स पर है, हमें जाना है USB पर, ठीक है जी। USB पर आ जाएगा, और अब हम यहाँ से अपना, ठीक है जी, लाइट बिलिंग कर रही है, साउंड हम अपना ट्रैक अपना यहाँ से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट NCS का ट्रैक है ये। अच्छा जी, मैं जब तक आपको इसकी एसेसरीज दिखा दूँ, ये इसका रिमोट है, और रिमोट में जो है वो इधर एक रेड कलर की ये लाइट है, अभी सेल हमने लगाए हुए नहीं है, सेल हम लगाएंगे, जब इसको ऑन करेंगे कोई भी चीज़ हम बटन दबाएंगे तो ये रेड कलर की लाइट इंडिकेशन करेगी, ठीक है जी। दो अदर जिसके साथ बैटरीज हैं, और जो आप रिमोट के लिए हैं, ये इसका वाल माउंट है, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टील के क्लिप्स हैं, स्क्रू वगैरह, रोल प्लग वगैरह सारी चीज़ें दी हैं। USB एक्सटेंशन दिया है इन्होंने, USB एक्सटेंशन दिया है ताकि आप बार में पीछे लगा दें, और ये एक्सटेंशन नीचे लटकता रहेगा, आप इसमें कोई भी अपनी USB पेन ड्राइव आप लगा सकते हैं, और ताकि आप कोई भी चीज़ प्ले कर सकते हैं।
अच्छा दो होते हैं जिसके अंदर से केबलें हैं, जो कि ये केबल है RC टू RC और ये केबल है RC टू ऑक्स। RCA टू ऑक्स बनाना है अगर आपने तो इन दोनों को कनेक्ट कर दें, RCA टू ऑक्स की केबल आपकी बन जाएगी। बुकलेट है, यूज़र मैनुअल गाइड है, ठीक है जी, तमाम तर चीज़ें हैं। थोड़ा सा साउंड डेमो ले लेते हैं, साउंड के मज़े ले लेते हैं थोड़े से। ओके जी, इसके प्राइस की भी बात कर लेंगे। प्राइस इसका पाकिस्तान में नियर अबाउट 50,000 के करीब चल रहा है, ठीक है जी। बाकी कोई और मालूमात आपने लेनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।